हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ डेट एप्लीकेशन पर आप किस प्रकार टीम बना सकते हैं। अगर आपके पास सेट कैपेसिटी में अच्छा सा नॉलेज है, अगर आप टीम बनाना नहीं चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम जीरो लेवल से बताएंगे किस तरह टीम इसमें क्रिएट करते हैं और किस तरह इसमें लाखों रुपये जीतते हैं। तो वीडियो में बने रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही घंटे को जरूर दबाना क्योंकि इस तरह का व्यू आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उससे आप हाउजेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको अगर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं, आपको यहाँ पर 500 रुपये का बोनस मिल जाएगा। अगर आप इसमें पहले से अकाउंट बनाए हुए तो आप दूसरे मोबाइल नंबर से भी बना सकते हैं कि अगर उसमें KYC कम्प्लीट नहीं किए तो। हाउजेट ऐप में किस तरह से टीम बनाते हैं, तो इसके लिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाते हैं और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरह टीम बनाते हैं। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। टीम हाउजेट ऐप पर टीम बनाने के लिए सिंपली आपको हाउजेट ऐप को ओपन करना है। ठीक है, हम यहाँ पर हाउजेट ऐप को ओपन करते हैं। तो टीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो मैच अभी चलेगा आज, यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब VS मुंबई आज मैच होगा, पंजाब VS मुंबई आज टुडे लिखा हुआ है, 7:30 बजे शाम में होगा। तो सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है, इसी पर आपको बैटर लगाना है। तो इंट्री जो है यहाँ पर 34 रुपये से स्टार्टिंग है, 69 रुपये, 99 रुपये, बहुत सारा इंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक इंट्री आपको बीट वाला मिलेगा 5 रुपये वाला, ठीक है, तो इससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारा इंट्री इसमें आपको मिलेगा, 400 रुपये तक इसमें आपको इंट्री मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है अपने रकम के अनुसार इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। हम यहाँ पर 3400 रुपये से ज्वाइन होंगे। सिंपली आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर, ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है प्राइज ब्रेकअप, यानी प्राइज ब्रेकअप कहने का मतलब जो फर्स्ट रैंक आएगा उसको 3 लाख रुपये मिलेगा और यहाँ पर आपको 30% ऑफ मिलेगा मेगा लीगेज 24 अप्रैल को मिलेगा। ठीक है, और सेकेंड में मिलेगा 80,000 रुपये और वही 30% ऑफ मिलेगा। और जो यहाँ पर देख सकते हैं सारा यहाँ डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। इसलिए आपको टीम बनाने के लिए आपको ज्वाइन वाला ऑप्शन है, इसी पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक ऑलरेडी टीम बना हुआ है, तो इसको हम क्लिक कर नहीं करते हैं, सिंपली आप क्रिएट टीम पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो क्रिएट टीम क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपको 100 क्रेडिट मिलता है। ठीक है, और 11 प्लेयर होता है इसमें, तो 11 प्लेयर में हर एक का क्रेडिट अलग अलग होता है। देख सकते हैं इसका क्रेडिट KL राहुल का 10.5 है और यहाँ पर आपको ईशान किशन का 8.5 है, तो हर एक खिलाड़ी का आपको पॉइंट मिलता है। तो 100 पॉइंट को ही इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, झारना होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि विकेट कीपर ये हो गया, बैट्समैन हो गया, ऑलराउंडर हो गया और बॉलर हो गया। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर चारों को याद रखना। तो विकेट कीपर में आप किसको रखना चाहते हैं, जो आपको अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप जो कि आपको लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो हम यहाँ पर ईशान किशन को चूज करते हैं और यहाँ पर आपको KL राहुल को चूज करते हैं, दो विकेट कीपर को हमने चूज। तो यहाँ पर आप मिनिमम 1 से 4 विकेट कीपर को रख सकते हैं, 1 से 4 के बीच में। ठीक है, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बैट्समैन पर क्लिक करना होता है, बैट्समैन यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 6 के बीच में रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 3 से कम नहीं रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। ठीक है, तो बैट्समैन को आपको किसको चूज करना है, जो आपको लगता है कि अच्छा खेलेंगे इस मैच में। ठीक है, तो हम आपको रोहित शर्मा को चूज करते हैं और यहाँ पर वो क्रिस गेल को चूज कर लेते हैं और मयंक अग्रवाल पिछले अच्छा खेले थे तो इसको चूज कर लेते हैं और सूर्य कुमार यादव को हमने यहाँ पर 4 को चुना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑलराउंडर को चूज करना है, आप 1 से 4 के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, कुणाल पांड्या को रखते हैं और दीपक हुड्डा को, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और सिंपली यहाँ पर आपको बॉलर का ऑप्शन आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो क्रेडिट बचा है 26 बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, 26 बचा है। तो आप ध्यान से, तो हम यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को बॉलर चूज कर लेते हैं और मोहम्मद शमी, आप देख सकते हैं क्रेडिट 8 बचा है। तो अगर आप 9 वाला चूज कीजिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्रेडिट 9 है और यहाँ पर आपको 8 ही बचा है। तो यहाँ पर आपको जिनका 8 क्रेडिट है उसी को आपको चूज करना पड़ेगा, तो 8 क्रेडिट यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे का 8 क्रेडिट है, तो यहाँ पर आपको चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 8 वाला क्रेडिट में जैसे आप 8.5 में जाइएगा तो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट आपका 8 ही बचा है। यहाँ पर आपको, हम यहाँ पर मार्को जिनिस को चूज कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप टीम रिव्यू पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद किस तरह से टीम बना है यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईशान किशन और KL राहुल विकेट कीपर है, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, सूर्य कुमार यादव क्या है बैट्समैन है, 2 ऑलराउंडर है और 3 गो बॉलर है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है, सिंपल आपको उसको चूज करना है। बाद यहाँ पर आपको कप्तान और उप कप्तान को चूज करना होता है, यानी कप्तान यानी वाइस कप्तान। सिंपली आप तो कप्तान में क्या होता है, कप्तान जिसको आप चूज कीजिएगा इसमें आपको 2 गुना पॉइंट मिलेगा, और जो वाइस कप्तान होता है यानी उप कप्तान इसमें आपको 1.5 गुना पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो हम इसमें कप्तान रोहित शर्मा को चूज करते हैं, 2 गुना पॉइंट मिलेगा, और हम यहाँ पर आपको वाइस कप्तान जसप्रीत बुमराह को चूज करते हैं, ठीक है, इसमें हमें 1.5 गुना पॉइंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है सेव एंड ज्वाइन, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, और ये आपका टीम बन चुका है। ये मेरा पहले से टीम बना हुआ था, देख सकते हैं, और ये अभी टीम बना है, रोहित शर्मा कप्तान है और उप कप्तान जसप्रीत बुमराह। व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कप्तान कौन रखे हैं, तो रोहित शर्मा, और वाइस कप्तान जसप्रीत बुमराह, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। आप आपका पेमेंट, और यहाँ से आप 3400 रुपये का पेमेंट कीजिएगा और ये आपका बैटल लग जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में टीम बनाना सीख गए होंगे, किस तरह से टीम बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।